नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं सीधी बात। आज हम किसी से सीधी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष के बारे में सीधी बात कर रहे हैं। हमने सम्मान के रूप में आज अपने मेहमान की कुर्सी खाली रखी है, क्योंकि सिद्धांतों और संस्कारों की जो सियासत अटल जी ने की, वो और किसी ने नहीं की। आज हम आपको महत्वपूर्ण मौकों पर अटल जी द्वारा की गई सीधी बात दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देशवासियों से कैसी सीधी बात की। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। हमारे लिए कश्मीर एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो सर्वधर्म समभाव सेक्युलरिज्म की कसौटी है। सेक्युलर राष्ट्र की कसौटी पर हम सदैव खड़े उतरे हैं। जम्मू कश्मीर इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले कुछ सालों में देश ने जो प्रगति की है, उसने मुझे नई आशा और विश्वास दिया है। कर्ज लेने वाला भारत आज कर्ज दे रहा है। हमेशा विदेशी मुद्रा की कमी से परेशान भारत ने आज लगभग 100 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा कमा ली है। हम अपने पड़ोसी देशों से अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। हम जानते हैं कि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका युद्ध को न होने देना है। पाकिस्तान से हम किसी भी विषय पर और किसी भी स्तर पर और कहीं भी बात करने के लिए तैयार हैं। मेरी मान्यता है कि दुनिया में कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसकी बातचीत से हल न हो सके। इसलिए पाकिस्तान हो या चीन, हम सबसे मैत्री भाव से बातचीत करके आपसी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्रयास करते रहेंगे। वैसे अटल जी की शैली, उनका अंदाज, उनका संवाद तो हमेशा ही चुंबक की तरह था। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब विदेश मंत्री के तौर पर अटल जी संयुक्त राष्ट्र गए। वहां उन्होंने हिंदी में संबोधन किया। आइए वो दुर्लभ वीडियो आपको दिखाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कई अधिक महत्व रखती है। अटल जी ने उस संबोधन से इतिहास रच दिया था, लेकिन ये तो एक झांकी थी। 3 साल बाद जनसंघ जब भारतीय जनता पार्टी में बदला और अटल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब उन्होंने पार्टी के प्रथम अधिवेशन में जो सीधी बात की, वो आज भी बीजेपी के लिए ब्रह्म वाक्य है। मैं बंबई की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं। आज उसने बड़े प्रेम से, आत्मीयता से देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। मुझे निर्विरोध इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भी मैं प्रतिनिधियों का आभारी हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद यह अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है, ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से
देश की जनता के समर्थन से मैं जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा। जनता पार्टी जयप्रकाश के सपनों को पूरा करने के लिए बनी। जनता पार्टी टूट गई मगर हम जयप्रकाश के सपनों को टूटने नहीं देंगे। जयप्रकाश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जयप्रकाश कुछ आदर्शों का नाम है, कुछ मूल्यों का नाम है। जयप्रकाश जी का पूरा जीवन, उनकी साधना, उनका संघर्ष, कुछ मूल्यों के साथ उनकी प्रतिबद्धता, ये हमारी विरासत के अंग हैं। हमने जयप्रकाश जी के अधूरे काम को पूरा करने का व्रत लिया। मैंने आपसे निवेदन किया, हम राजनीति को कुछ मूल्यों पर आधारित करना चाहते। राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं रहना चाहते। एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बात 18 मई 1996 की है। राजनीति में 4.5 दशक का संघर्ष पूरा कर चुके अटल जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी। जब आज तक ने उनका इंटरव्यू किया था उसके कुछ अंश हम आपको सुनाते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था एक बार आपके लिए कि आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आज आपको कैसा लग रहा है? मेरे ऊपर एक गंभीर दायित्व आया है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ उस दायित्व को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे देश का माथा नीचा हो। आपकी सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी? देश को अच्छे राज्य की ज़रूरत है, ऐसा राज्य, ऐसा शासन जो स्वच्छ हो, कारगर हो और आम आदमी के प्रति संवेदनशील हो। राज्य संस्था की विश्वसनीयता को फिर से कायम करना ये आज की बड़ी आवश्यकता है। लोगों का राज्य संस्था पर से विश्वास उठ रहा है। हमने इस बात का अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया है और हम अपनी नीतियों द्वारा, अपने कार्यक्रमों द्वारा इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी अटका हुआ है वो है बहुमत का। ये बहुमत, आप आवश्यक बहुमत कहाँ से जुटाएंगे? नहीं, अब हमें राष्ट्रपति महोदय ने जो समय दिया है उसके भीतर हम बहुमत जुटाने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे बारे में जो गलतफहमियां पैदा की गई थी और जिनके कारण बहुत से संसद सदस्य हमसे दूर रहे, उनके सामने सच्चाई आएगी और वे हमारी ओर सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे। हम उनका साथ लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। अटल जी जीत का भरोसा जताते रहे लेकिन 13 दिन की सरकार जब विश्वास हासिल करने के लिए सदन में पहुंची तो आंकड़े पूरे नहीं पड़े। उस दिन अटल जी ने जो सीधी बात की थी उसने राजनीति को सिद्धांतों का ऐसा आईना दिखाया कि उनका कहा एक एक शब्द अमर हो गया। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है।
और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता यूनाइटेड फ्रंट ने श्री देवेगौड़ा को किस आधार पर अपना चौथे नंबर का नेता चुना है। वो यूनाइटेड फ्रंट की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, वो तो फोर्थ चॉइस थे, मगर जो इनकी फोर्थ चॉइस थे अब वो देश की फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं। मैं समझ सकता था अध्यक्ष महोदय। ऑर्डर प्लीज। मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ हूं। एक एक व्यक्ति की पार्टी और वो हमारे साथ हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। हमारा जनाधार नहीं है, हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे, हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। दोबारा चुनाव हुए, बीजेपी ने 161 सीटें जीती। मार्च 1998 में अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर लौटे। देश के सामने परमाणु परीक्षण का प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, लेकिन बात देश के स्वाभिमान की थी।
पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, पूरी दुनिया सन्न रह गई। अटल जी को किसी तरह का संशय नहीं था, वो सशक्त और सीधी बात करते रहे। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था, मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था, क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं, मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है, लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा यह भी हमको विश्वास था, और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने ये भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है
उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं, युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है, इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, दो शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ, इसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। इस पर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है। इस कार्यकाल में अटल जी हर मुद्दे पर खुलकर बोले, भ्रष्टाचार के मसले पर उनकी ये सीधी बात आपको सुननी चाहिए। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दें। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा, ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहिए, आजादी को 50 साल होने आए, हम जयंती मनाने जा रहे हैं, आज देश की स्थिति क्या है, हम पिछड़ क्यों गए, प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे बढ़ गए, जो देश हमारे बाद जन्मे थे वो हमें पीछे छोड़ गए, दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है, 20% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है या पीने का पानी नहीं, हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकते, लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही, लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठाकर समाज में जागृति पैदा करके, क्या सब लोगों को जुटाकर ये तो ऐसा काम है जिसमें कोई दलबंदी के लिए स्थान नहीं, हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते थे? देश में साधनों की कमी नहीं है और साधनों की अगर कमी है तो उसको ठीक ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, साधन बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन जो साधन हैं उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा। जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता, आम आदमी तक नहीं पहुंचता, कहां जाता है, किसकी जेब भरी जाती है, किसकी तिजोरी में वो रकम जाती है, विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? हम विदेशी पूंजी के लिए प्रयत्नशील है, विदेशी पूंजी आए, पर अगर विदेशी पूंजी आती है अच्छे ढंग की टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी आपत्ति नहीं करेंगे, लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं
वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है, भास्कर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। रुपया घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है, रुपये को पहचानना मुश्किल है, रुपया अंतर्ध्यान हो सकता है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो सरकारी खर्चा बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है, उसको बिना कम किए और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए, कोई एक दल ये काम नहीं कर सकता। हां, हमारे पुराने प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते तो सफल होते, लेकिन वो कुछ ऐसे कामों में उलझे रहे कि ये समस्याएं ध्यान नहीं खींच सके। समय समय पर अटल जी अपने रिश्तों और बीती बातों का भी जिक्र छेड़ते रहे। हमने अलग अलग वक्त पर कही उनकी कुछ ऐसी ही बातों को इकट्ठा किया है। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था, मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी, मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा, और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया, कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है, क्या देश में ये भावना पनपे? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंकुट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया और हंसते हुए चले गए। 2003 में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष ने जो चर्चा की उसमें मुद्दों से ज्यादा तल्खी थी। अटल जी ने जब जवाब दिया तो मतभेद और मनभेद का अंतर समझाते हुए संसदीय संस्कारों पर सीधी बात की। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल एंड ब्रेजनली करप्ट। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं? इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल।
हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला है। द गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट, किसको आप किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। लेकिन ये क्या है, ये सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चल रहा था। चुनाव केंद्र के थे लेकिन गुजरात दंगों का साया भी था, लिहाजा सवाल बहुत तीखे थे, पर अटल जी हमेशा की तरह सीधी बात ही कर रहे थे। आप जब गुजरात में थे, मैं खुद वहां पर मौजूद था, उस वक्त आपने एक बात कही थी, राज धर्म का पालन होना चाहिए। काफी पीड़ा थी आपके चेहरे पर उस वक्त, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि राज धर्म अभी भी नहीं निभाया जा रहा है। केंद्र सरकार के मुखिया होने के नाते जहां पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बात करे, क्या कहेंगे आप ऐसे में? अगर ये सही है कि अभी भी राजधर्म का निर्वाह नहीं हो रहा तो ये गलत है, होना चाहिए। लेकिन ये काम भी नई दिल्ली से नहीं हो सकता या पार्टी के हेडक्वार्टर से नहीं हो सकता है, हाईकमांड से नहीं हो सकता। इसमें भी गुजरात की जनता की भूमिका क्या है, इसका महत्व है। कोर्ट अपना काम कर रहा है, उसकी जनता में क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सरकार अगर कांग्रेस की होती तो भी आपके यही शब्द रहते प्रधानमंत्री? नहीं, शब्दों में कुछ तो अंतर होता। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं हुई है गुजरात में, मैं इस समय की बात कर रहा हूं। जो हो गया उसके दोनों पहलू हैं और किसी पहलू को अनदेखा करने से काम नहीं चलेगा। अगर एक हिंसा न होती तो शायद दूसरी हिंसा भी न होती। इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंसा का समर्थक है, लेकिन जैसा हमारा समाज है और जैसी व्यवस्था है उसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की राजनीति के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से पूरा देश सन्न है। आज हम सीधी बात किसी व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक शख्सियत के बारे में सीधी बात कर रहे हैं। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में सीधी बात कर रहे हैं और इसीलिए इस इंटरव्यू के दौरान हमने अपने सामने की कुर्सी खाली रखी है। मैला कुचैला, थका मादा, हड्डियां पसलियां गिनी जा सकती है। स्वागत करने के बजाय शहर वाले कुत्ते ने उसे डांटना शुरू कर दिया। कहां से आए हो तुम? पूरी बिरादरी को बदनाम कर रहे हो। लोग तुम्हें देखेंगे और मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों आए तुम? चले जाओ। उसने कहा चला जाऊंगा। तुम्हें देखकर बड़ा आनंद हुआ। तुम तो बड़े हट्टे कट्टे हो, रिष्ट पुष्ट हो। अरे उसने कहा, शहर वाले ने कहा, मेरी मत पूछो, मैं तो दूध मलाई खाता हूं और साबुन से नहलाया जाता हूं और गुदगुदी रजाई में सुलाया जाता हूं। मेरी तो पांच उंगलियां घी में है, मगर ऐसा लगता है तुम्हारा सर कढ़ाई में। गांव वाला रौब में आ गया, शहर वाला कुत्ता हट्टा कट्टा था, साफ सुथरा था, उसके चेहरे पर चमक थी।
कि जब गांव वाला कुत्ता शहर के कुत्ते को बड़े ध्यान से देख रहा था तो उसकी नजर शहर वाले कुत्ते के गले पर पड़ी। उसने कहा, मित्र ये तुम्हारे गले में क्या पड़ा है? जैसे ही शहर वाले कुत्ते ने यह सवाल सुना उसका मुंह उतर गया। उसने कहा, ये मत पूछो, ये मत पूछो। गांव वाले ने कहा, नहीं ये तो पूछना पड़ेगा, ये बड़ा चमकदार है, ये बड़ा गोल गोल है और गोल गोल गले में ये गोल गोल ये कंठी जैसा दिख रहा है, मित्र बताओ ये माया क्या है? अरे उसने कहा, यही तो गड़बड़ है, ये फंदा है, फंदा। मेरा मालिक इस फंदे में जंजीर डाल के मुझे कभी कभी बांध देता है। जैसे ही गांव वाले कुत्ते ने यह सुना उसने कहा, मैं चला और वो शहर से गांव की तरफ भागा और जाते जाते कहने लगा, तुम्हारी दूध मलाई तुम्हें मुबारक और तुम्हारी साबुन की नहलाई तुम्हें मुबारक, तुम्हें गुदगुदी रजाई तुम्हें मुबारक। मैं रूखा सूखा खाऊंगा, जरूरत होगी तो भूखो मर जाऊंगा, मगर गले में गुलामी का पट्टा स्वीकार नहीं करूंगा। अंत में हम अटल जी की बातों का वो अंश आपको सुनाते हैं जो हमें सबसे प्रिय है। एक दफा जब हम उनसे इंटरव्यू करने गए तो उन्होंने बताया उन्हें आज तक कितना पसंद है। महत्वपूर्ण समाचारों के चयन और उनके प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के कारण आज तक ने दर्शकों में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। यदि मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति न होगी कि जब तक आज तक नहीं देख लेते तब तक खाना हजम नहीं होता। राजनीति के चरित्र में जितने पेच होते हैं अटल जी की प्रासंगिकता हर जगह नजर आती है। काश कभी मैं अटल जी के साथ सीधी बात कर पाती। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।